भक्तों, ग्रह शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वालों को बुधवार का व्रत करना चाहिए। इस व्रत में दिन रात में एक ही बार भोजन करना चाहिए। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठतम है। बुधवार का व्रत सभी प्रकार से कल्याणकारी है। भक्तों, बुधवार की कथा सुनकर आरती के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। इस व्रत का प्रारंभ शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से करें। 21 व्रत रखें। बुधवार के व्रत से बुध ग्रह की शांति तथा धन विद्या और व्यापार में वृद्धि होती है। भक्तों, बुधवार की व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है और बुधवार को शुभ यात्रा नहीं होती। बुधवार का दिन लंबोदर प्रथम देव का दिन होता, जिनकी कृपा से ही जग का यह सारा काज सफल होता। बुद्धि के दाता गणेश जी बिगड़े कार्य बनाते हैं, सुख संपत्ति यश मिलता है जो को ध्याते हैं। विधि पूर्वक और भक्ति भाव से श्री गणेश का पाठ करो। गौरी नंदन श्री गणेश का सच्चे मन से जाप करो। बुधवार के व्रत की भक्तों महिमा बहुत विशेष है। धन वैभव घर में आ जाता कटते सभी कलेश है। बुद्ध देव की मंगलकारी महिमा गाती हूँ। बुधवार के व्रत की पावन कथा सुनाती हूँ। बुधवार के व्रत की पावन कथा सुनाती हूँ। बोलो बुद्ध देव की जय, बोलो श्री गणेश की जय। बोलो बुद्ध देव की जय, बोलो श्री गणेश की जय। भक्तों, लेकिन मधुसूदन अपनी पत्नी के माता पिता की बात नहीं मानी। उसने ऐसी शुभ अशुभ बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने, मधुसूदन और उसकी पत्नी, बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई और वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। किसी समय की बात है भक्तों, सुन लो कथा ये सुख राशि। मधुसूदन था नाम का व्यक्ति, समता पूर्ण नगरवासी।
सुंदर और सुशील कुड़े। एक दिन जब पत्नी मायके थे मधुसूदन ससुराल गया, बुधवार को ही पत्नी को ले जाने की बात कहा। संकेता के मात पिता ने ऐसा करने से रोका, बुधवार को शुभ कार्य की यात्रा करने से टोका। बुद्ध देव की मंगलकारी महिमा गाती हूँ, बुधवार के व्रत की पावन कथा सुनाती हूँ। श्री गणेश की जय, बोलो बुद्ध देव की जय, बोलो श्री गणेश की जय। भक्तों, मधुसूदन ने अपनी पत्नी के समीप बैठे व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करके लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है, मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तुम क्यों बोल रहे हो? संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था, मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे, उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहाँ एकत्र हो गए। लेकिन मधुसूदन नहीं माना, पत्नी संगल जाने लगा। शुभ शुभ मैं नहीं मानता, सबको ये समझाने लगा। बैलगाड़ी पर संगीता मधुसूदन होके सवार चले, एक पहिया जब टूट गया तो पैदल ही प्रस्थान किए। रास्ते में संगीता को जब बहुत जोर की प्यास लगी, मधुसूदन जल लाने गया, संगीता फिर वहीं पर बैठी। थोड़ी देर बाद मधुसूदन जल लेकर वापस आया, पत्नी को किसी और के संग में देखा तो वह घबराया। बुद्ध देव की मंगलकारी महिमा गाती हूँ, बुधवार के व्रत के पावन कथा सुनाती हूँ। बोलो श्री गणेश की जय, बोलो बुद्ध देव की जय, बोलो श्री गणेश की जय। भक्तों, नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा। मधुसूदन के शक्ल का व्यक्ति संगीता के साथ में था, संगीता भी विस्मित हो गई, चेहरा दोनों एक सा था। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, आखिर कौन है तुम?
तुझसे यह सब बातें पूछ रहा। बुद्ध देव की मंगलकारी महिमा गाती हूँ, बुधवार के व्रत के पावन कथा सुनाती हूँ, बुधवार के व्रत के पावन कथा सुनाती हूँ। बोलो बुद्ध देव की जय, बोलो श्री गणेश की जय, बोलो बुद्ध देव की जय, बोलो श्री गणेश की जय। भक्तों, मधुसूदन ने अपने मन में संकल्प किया कि मैं सदैव बुधवार का व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ गया हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियों की बरसात होने लगी। मधुसूदन ने बोला, उससे चोरे ठग मालूम पड़ते, यह मेरी पत्नी संगीता क्यों बातें झूठी करते। इसे बिठा कर चले ले आने के कारण मैं चला गया। तभी वो व्यक्ति बोल पड़ा, मैंने जल ला कर पिला दिया। छोटे हो तुम भागो, वरना सैनिक से पकड़ा दूंगा। दोनों यूं ही लड़ने लगे, जिस देख भीड़ भी उमड़ गई। आए सिपाही पकड़ ले गए, राजा के वो पास गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी निर्णय ना कर पाए। बुद्ध देव की मंगलकारी महिमा गाती हूँ, बुधवार के व्रत के पावन कथा सुनाती हूँ, बुधवार के व्रत के पावन कथा सुनाती हूँ। बोलो बुद्ध देव की जय, बोलो श्री गणेश की जय, बोलो बुद्ध देव की जय, बोलो श्री गणेश की जय। करके बोला, भगवान क्षमा करे। बुद्ध देव की मंगलकारी महिमा गाती हूँ, बुधवार के व्रत के पावन कथा सुनाती हूँ, बुधवार के व्रत के पावन कथा सुनाती हूँ। बोलो बुद्ध देव की जय, बोलो श्री गणेश की जय, बोलो भक्तों। इस तरह से जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं,
भगवान बुद्ध देव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं, उनके समस्त पापों का नाश करते हैं, उनके घर में खुशहाली आती है, उनके बिगड़े काम बनते हैं। बुद्ध देव की कृपा से उनके जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आती, उनके सारे काम अपने आप बुद्ध देव की कृपा से बनते जाते हैं। इसलिए भक्तों प्रेम से बोलिए बुद्ध देव की जय, प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय जय श्री गणेश, जय जय बुद्ध देव। और कथा यही संपन्न हुई, बुद्ध देव के मंगलकारी महिमा गाती हूँ, बुधवार के व्रत के पावन कथा सुनाती हूँ, बुधवार के व्रत के पावन कथा सुनाती हूँ। बोलो बुद्ध देव की जय, बोलो श्री गणेश की जय,